हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। फिर से हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ट्रायंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आइए, दो एक जैसे क्वेश्चंस हमने लिए हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसे कर ले जाएं। तो क्या है क्वेश्चन? ए बी सी डी, आपका एक ट्रापेजियम दिया हुआ है। ट्रापेजियम मतलब इसमें डी सी और ए बी पैरेलल है। तो हमसे कह रही है एक्स का मान बताओ। देखिए लिखा है 3x-19, फिर लिखा है x माइनस 3, यह है x माइनस 5 और यह है 3। कह रहे इवेलुएट द वैल्यू ऑफ x। यहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन है, जो सी डी है वो ए बी के पैरेलल है और हमें निकालना है, यहाँ देखिए ओ और यहाँ भी हम ओ लीजिए, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x की। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ x। और गिवन क्या है? गिवन है कि डी सी पैरेलल है किसके? ए बी के। जो डी सी है वो ए बी के पैरेलल। तो इस तरह से हमारे पास दो क्वेश्चंस, दो चीजें हैं और हम इन्हें सॉल्व। तो देखिए इसमें एक्चुअली करते क्या है, अगर ये पैरेललोग्राम है, ये आपका ट्रापेजियम है, तो ट्रापेजियम के केस में हम सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को लगाते हुए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जगहों पर हम डायरेक्ट भी वो कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करें इसमें ही कि यहाँ पर हेयर डी सी पैरेलल टू ए बी, ठीक है, और यहाँ पर डायगोनल से एक दूसरे काट रहे हैं, डायगोनल्स डिवाइड, हम ये जानते हैं सिंस डायगोनल्स ऑफ ट्रापेजियम, ट्रापेजियम डिवाइड डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, ईच अदर प्रोपोर्शनली, मतलब ईच अदर प्रोपोर्शनली का मतलब हो गया कि अगर आप लिखते हैं एओ तो उसके अपॉन में लिखेंगे ओसी, और अगर आप लिखते हैं ओडी, एओ लिखा तो अब हम क्या लिखेंगे, एओ हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग हम ओबी और अपॉन में ओडी, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, आखिर ये आया कहाँ से, इसको भी देख लेते हैं, ये चीज आई कहाँ से। कभी कभी होता है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, एओ एओ अपॉन ओसी और ओडी अपॉन ओबी, तो ये आया कहाँ से, ये चीज आई कहाँ से, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ट्रायंगल ओडीसी एंड ट्रायंगल ओए बी में देखें गौर से क्या है, क्या विशेषता है यहाँ पर। तो देखिए एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी एंड एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। तो ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है, ये दोनों ही अल्टरनेट। तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हमें मिला? एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ ए बी के। तो ये हमारा क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो जब ये सिमिलर हो गया तो हम एक चीज जानते हैं, अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल के सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो अगर हम ये इस एंगल के सामने देखिए एओ साइड आ रही है, तो अगर हम एओ लिखते हैं, एओ लिखते हैं तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसके सामने कौन सी साइड आ रही है? अपॉन में ओसी। ये देखिए अब हम इस एंगल का लेते हैं, इसके सामने कौन सी साइड आ रही है? ओबी। तो हमने यहाँ ओबी लिख दिया, और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल है इसके सामने कौन सी साइड आ रही है? दैट इज ओडी। तो देखिए वही चीज यहाँ लिखी। तो ये जो डायरेक्ट यहाँ लिखा है आप इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर कंफ्यूज हो जाए तो ऐसे निकालें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें, तो आप देख सकते हैं ओ ए दिया है 3x-19, ओ सी दिया है x-5 और ओ बी दिया है x-3 और ओ डी दिया है 3। तो ये हो गया 9x-57 और ये x²-8x+15, और लगाएंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये इधर आ जाए 18x17x हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा 2.67, 22 = 0।
तो इस तरह से आपका ये एक इक्वेशन बन गई, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। 72 को ऐसे फैक्टर करिए कि 17 आ जाए, तो आप जानते हैं 9 8 72, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 9 माइनस 8, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 9 और एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक आ गया 9 और एक आ गया 8। तो आपके इस तरह से इसमें कितने मान निकले, 2 मान आपको यहाँ पे प्राप्त हो। तो ये इसका क्वेश्चन था, ये हमने आपको बताया कि ये चीज आई कहाँ से। सिमिलरली यहाँ भी वही हम काम करेंगे, यहाँ भी आप देखिए सिंस डीसी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंस डीसी पैरेलल टू एबी है, डीसी जो है वो एबी के पैरेलल है, सो वही लाइन लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ ट्रापेजियम डिवाइड ईच अदर इन प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब हो गया एओ अपॉन में ओसी, एओ अपॉन में ओसी इज इक्वल टू ओबी अपॉन में ओडी। बस तो सारी वैल्यू रख दें, एओ आपका दे रखा है 3x-1, ओसी दे रखा है 5x-3, ओबी दे रखा है 2x+1 और ओडी दे रखा है 6x-5। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेट करने पर आएगा वो आपका आंसर मिल जाएगा। तो 6x-5 जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, 3x-1, 5x-3, 6x-5 एंड 2x+1, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे, 3x-1 और 6x-5, ये आया 2x+1 और 5x-3, मल्टीप्लाई करते हैं 18x² माइनस का 15x माइनस का 6x प्लस का 5, 10x² माइनस का 6x प्लस का 5x माइनस का 3, इसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 8x², और देखिए ये इसके साथ सॉल्व करें तो माइनस का 21x प्लस का 5 आ जाएगा 10x² माइनस x माइनस का 3। इस सबको इधर भेज देते हैं, तो क्यों इधर भेज रहे हैं, क्योंकि देखिए इधर ये मैक्सिमम है इसकी वजह से। चल ये हाँ ये 18 ही रहेगा, तो चूंकि ये 18 है तो इसलिए इधर आ जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 8x² और ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 20x और ये आ जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि 2 से कट रहा है तो 4 से हम इसको काट देंगे, ये आया आपका ठीक है। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 4 4x-x + 2 इज इक्वल टू 0। 2x कौन लीजिए, x-2 -1 x-2 इज इक्वल टू 0। x-2 और ये निकला 2x-1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे एक मान आया x इज इक्वल टू और एक मान आया x इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए 1/2 क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही 1/2 लेंगे तो 6x-5 रखेंगे तो 3-5 आ जाएगा। देखिए एक साइड आपके 6x-5 है, यहाँ पर हमने इसको 1/2 रखा, ये माइनस फोर, तो 3-5 किस में आ गया, निगेटिव में। तो ये नहीं हो सकता है किसी क्वेश्चन में कोई साइड निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम यहाँ पर जो इसका मान रखेंगे वो आपका x+2। सो लेट्स स्टॉप हेयर, होप यू लाइक इट। बहुत सीरियसली ओके इन क्वेश्चन को समझिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।